दोस्तों, सीएमए फाइनल में एसजेसी के तरफ से आपको किस किस सब्जेक्ट की तैयारी करा दी जाएगी उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। ग्रुप थ्री में आपका एससीएम और एसएफएम, ये दो सब्जेक्ट तो मैं ही पढ़ाता हूं, और ग्रुप फोर में कंपनी ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट, जो है कंपनी ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट जिसको आप बोलते हैं, कंपनी ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट, ये भी मैं कराता हूँ, और एसपीएम बीबी भी मैं कराता हूँ। तो ये चार सब्जेक्ट तो मैं ही कराऊंगा आपको, ठीक है। तो SCM ऑलरेडी गोइंग ऑन है, ठीक है। इसका एक पार्ट ऑफ चैप्टर बाकी है, जैसे आपको पता है ना 60-40 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है SCM में, 60% हम लोग का हो चुका है, 40% एक QT पोर्शन है, वो ही हम लोगों का भी बाकी है। तो आप चाहो तो इस लेटेस्ट बैच में लाइव ऑनलाइन या फेस टू फेस मोड में ज्वाइन कर सकते हो रिमेनिंग 40% करने के लिए, बाकी 60% आप वीडियो में कर सकते हो। ये अभी चल रहा है, आने वाले 1-1.5 महीने तक चलेगा, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइव पूरा सीएमए फाइनल एक्सक्लूसिव एसएफएम का बैच। सीएमए फाइनल एक्सक्लूसिव एसएफएम का बैच हम लोग चालू करेंगे, ठीक है, और फिर कंपनी ऑडिट और एसपीएम भी चालू करेंगे। ऑलराइट, लॉ के लिए हमारे पास शिवानी मैम का क्लास है, शिवानी अग्रवाल मैम, शी इज वेरी गुड इन लॉ, एज यू हैव सीन हर वीडियो, शी इज वेरी एक्टिव एंड वेरी वेरी स्टूडेंट ओरिएंटेड। डायरेक्ट टैक्स में विजय सारदा सर, वो आर वेरी फेमस फॉर डायरेक्ट टैक्स, एंड इसके साथ हमारे साथ संजय मुंद्रा सर का क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है। संजय मुंद्रा सर भी बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत पुराने मंझे हुए टीचर हैं, तो इनका भी आप क्लास ले सकते हैं। CFR में संतोष कुमार सर, इनका तो बस नाम ही काफ़ी है, इनका आप क्लास हमारे यहाँ से ले सकते हैं। आपको ऑफकोर्स आप हमारे यहाँ से लेंगे तो आपको बेस्ट एडवांटेज क्या मिलता है, हमारे यहाँ का पूरा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। आप संतोष कुमार सर के यहाँ से भी जाके क्लास ले सकते हैं, वहाँ से हमारी क्लास भी ले सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट प्रेफर्ड है कि आप हमारे यहाँ से लोगे तो हमारा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, उनके यहाँ से लोगे तो उनका सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, एंड सब अपने अपने जगह बेस्ट है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इन टीचर्स के साथ मिलके आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। IDT में आप विशाल भट्टर सर की क्लास ले सकते हैं हमारे यहाँ पे, और साथ ही साथ संजय मुंद्रा सर की क्लास ले सकते हैं। संजय मुंद्रा सर दोनों बहुत ही अच्छे हैं, अपने अपने जगह पर बहुत बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, और बेस्ट रिजल्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत सालों से लाते रहे हैं। कंपनी ऑडिट और SPMBB में मैं हूँ। रिस्क मैनेजमेंट में हम लोगों के यहाँ पे क्लासेस आएंगी, अभी रिकॉर्डिंग और लाइव अनाउंस होगी तो आप उस समय प्लान कर सकते हैं। संजय खेमका सर लेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप का येट टू बी अनाउंस्ड है, बिकॉज अभी तक इंस्टीट्यूट से मटेरियल एज ऑन टुडे नहीं रिलीज हुआ है, तो हम आपको बता देंगे कि इसका भी क्लासेस कब आएगा, कैसे आएगा, एंड डेफिनेटली आएगा, आप उसका चिंता मत करिए, ठीक है। तो दिस इज द सब्जेक्ट्स एंड द अवेलेबल टीचर्स विद अस। फर्स्ट थिंग आई विल रिकमेंड कि नेवर टेक ऑल सब्जेक्ट क्लासेस टुगेदर। बहुत बार बच्चे एक साथ सारे सब्जेक्ट की क्लासेस ले लेते हैं, विच विल बी वेरी रिस्की फॉर यू, बिकॉज पैसे ब्लॉक हो जाएंगे आपके, और फिर आपको लगेगा कि बाद में इनसे नहीं लेना, इनसे लेना, ये बहुत समस्या है। तो इसलिए मैक्सिमम आप क्या करोगे, 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम लेने का कोशिश करो। हाँ, अगर आपको आपको लगता है कि आप अभी एक ग्रुप पे फोकस कर रहे हो, जैसे कि ग्रुप थ्री पे फोकस कर रहे हो, जो मेरा रिकमेंडेशन है कि हमेशा पहले ग्रुप थ्री ही देना चाहिए, तो मैक्सिमम एक ग्रुप एट ए टाइम आप ले सकते हो, 1 ग्रुप एट ए टाइम। प्रेफर करो 2 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम, और अगर अफोर्ड कर सकते हो एक साथ पूरा रुपया जो फीस लगता है, तो मैक्सिमम 1 ग्रुप एट ए टाइम, डोंट गो फॉर बोथ ग्रुप्स टुगेदर, बिकॉज लेटर ऑन क्या होता है ना, आपको लगता है कि नहीं हम इन सर से ले लें, लेटर ऑन आपको लगता है कि नहीं थोड़ा रुक के ले लें, सब्जेक्ट्स में फिर चेंजेस आ जाएंगे, अभी आप चार सब ले लोगे तो सबके क्लास एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर किसमें क्या अपग्रेड आ जाएगा, इसलिए वेट, एंड कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2 सब्जेक्ट करके लो तो और भी बेटर है, जैसे पहले SCM SFM ले लिया, फिर लॉ DT ले लिया, ऐसा करके, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ग्रुप एट ए टाइम लेंगे। तीसरा बात, अगर आपका June 23 में ही आप एग्जाम देना चाह रहे हो फॉर June 23 टर्म, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट टर्म, तो उसको लेकर आपके मन में सवाल हो सकता है कि उसका कैसे होगा, तो उसमें जो SCM है, अगर आप हमारे यहाँ से SCM ले रहे हैं तो लेंगे और कहाँ जाएंगे, तो हमारे यहाँ से SCM ले रहे हैं तो उसका अभी हमारा जो करंट बैच चल रहा है आप उसका रिकॉर्डिंग लेंगे, करंट बैच पूछेंगे, करंट बैच एक्सक्लूसिव वाला दीजिए, वो वाला रिकॉर्डिंग लेंगे, और उसमें अभी
जैसे आपका सिलेबस में दो पार्ट है, 60% कॉस्ट है, 40% QT है, ठीक है। तो कॉस्ट पार्ट हमने खत्म कर दिया, QT पार्ट अभी चालू होगा। तो अगर आप आजकल में स्टार्ट करना चाहते हो तो आप लाइव फेस टू फेस आके भी ये 40% पढ़ सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन, अगर आप कैलकाटा में नहीं हो तो लाइव ऑनलाइन मोड में पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ सकते हो। ये एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल है। मॉर्निंग क्लासेस होती है, मंडे टू सैटरडे नॉर्मली क्लासेस होती है, एक आध दिन कोई टाइम ऊपर नीचे तो बता दिया जाता है। तो ये मॉर्निंग क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रेफर होगा आप तभी क्लासेस ज्वाइन करो कि जब आपका ऑफिस 11 बजे से आप जा सकते हो। अगर आप लाइव ज्वाइन करो तो, अगर आप ऑफिस 11 बजे जा सकते हो तो प्रेफर होगा ज्वाइन करो। अगर आपकी ऑफिस 9, 9:30 बजे, 10 बजे से चालू हो जाती है तो बेटर है कि आप ये बैच ज्वाइन कर लो, बट रिकॉर्डेड मोड में करो। तो इसमें इसी पोर्शन का लाइव अवेलेबल है, लाइव इज ड्यू, अभी भी चल रहा है। और बाकी अगर आपको लगता है कि लाइव में आप नहीं सेट हो सकते तो आप रिकॉर्डिंग ले लो। आप जून 23 के अलावा अगर दिसंबर 23 में जा रहे हो तो फिर तो ऑप्शन यही है कि आपको उसका रिकॉर्डेड लेना है। सेकेंड नंबर SFM के लिए, SFM के लिए आपको क्या करना है, अगर आप जून 23 में एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा लास्ट बैच आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो नया बैच ला रहे हैं वो दिसंबर से ला रहे हैं। तो आप उसमें रिस्क मत लीजिए कि जून 23 में एग्जाम देना है और मेरा ये दिसंबर बैच में आप घुस जाएंगे तो क्या होगा ना, बहुत नेक टू नेक हो जाएगा, क्योंकि मुझे खत्म करते करते मुझे लगता है आराम से मार्च हो जाएगा, तो उसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचेगा रिविजन करने का। तो इट्स नॉट एडवाइजेबल कि जून 23 के लिए आप उसमें जाइए। दिसंबर 23 के लिए तो आप जरूर इस लेटेस्ट SFM बैच में आइए, नहीं तो लास्ट बैच में SFM में जाइए। कॉन्सेप्ट सारा वही है, सारा कंसेप्ट प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत सारे सम्स आपके जो करेंट इंस्टीट्यूट मैट में नए में आएंगे वो सारे उसमें कराए हुए भी हैं। कुछ कुछ और एक्स्ट्रास जो भी आएंगे, जो मुझे सही लगेगा वो मैं आपको एक्स्ट्रा अमेंडमेंट बोलकर या एडिशनल्स बोलकर दे दूंगा। अमेंडमेंट्स विल बी प्रोवाइडेड, तो दैट यू डोंट वरी अबाउट दैट। कम से कम कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा और फिर बाकी जो बचेगा वो अमेंडमेंट्स खाली आपको करना, ठीक है। SFM के बाद थर्ड आता है, SFM के बाद थर्ड आता है हम लोगों का DT और लॉ। तो DT और लॉ आपको जो भी मैंने रेस्पेक्टिव फैकल्टी का बताया है उनका आपको क्लासेस जैसा भी अवेलेबल होगा वो आप SGC में कांटेक्ट करिए, आपको आएगा, ठीक है। और अगर आप जून 23 में ग्रुप 4 दे रहे हैं, जो मेरा रिकमेंडेशन के खिलाफ है, क्योंकि आप पहला अगर ग्रुप 4 देंगे ना तो आपका स्टेमिना कम हो जाएगा, बिकॉज ग्रुप 4 कम है और ग्रुप 4 में आप घुस जाते हो फिर बाद में ग्रुप 3 दिया नहीं जाता, वो बड़ा है, थोड़ा वास्ट है, बाद में वो दिया नहीं जाता। वो मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर आप देना चाहते हो तो CFR आप संतोष सर का ले लो, IDT या विशाल भट्टर, संजय मुंडा सर का किसी का भी ले लो, यूट्यूब में वीडियोस देखो, अकॉर्डिंगली आप जज कर लो, दोनों यहाँ से मिल जाएंगे। कंपनी ऑडिट हमारा जो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेटेस्ट रिकॉर्डेड लेना पड़ेगा जून 23 के लिए, लेटेस्ट रिकॉर्डेड लेना पड़ेगा। और कुछ भी जो एक्स्ट्रा आएगा इंस्टीट्यूट का आपका इस पर्टिकुलर मैट में, वो सारा मैं अलग से आपको कराऊंगा। और सेम गोज विथ SPMBV, जो भी करंट अवेलेबल है वो लेना पड़ेगा, जो भी एक्स्ट्रा आएगा वो मैं अलग से आपको कराऊंगा। तो दिस इज हाउ जून 23 विल बी ऑर्गेनाइज, जून 23 वालों के लिए। अगर मैं ग्रुप 4 की बात करूँ तो मेरा सब्जेक्ट कंपनी ऑडिट या कॉस्ट ऑडिट जो है, कॉस्ट ऑडिट और SPMBV के लिए आपको हमारा जो लास्ट बोलना पड़ेगा SGC में कॉन्टैक्ट करके, जो लास्ट रिकॉर्डेड बैच है वो दे दो। सर ने बोला है कि जो भी एक्स्ट्रा होगा आपको वो अलग से करवा दिया जाएगा, आराम से टाइम मिलेगा जून एग्जाम के पहले पहले वो हम लोग को मिल जाएगा, सर ने बताया है। तो वो इस तरह से तैयार करना। और बाकी दो सब्जेक्ट जो है CFR और आपका IDT, वो जो भी सर के रेस्पेक्टिव टीचर के अवेलेबल है वो आप ले लीजिए, जैसा भी है वो आप कॉन्टैक्ट करिए, आपको मिल जाएगा। ये सबका कॉम्बोज भी आपको SGC से मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप दिसंबर 23 में दे रहे हैं तो दिसंबर 23 के लिए आपको सारा बैचेस फ्रेश मिलेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा उसमें। आपको SCM तो अभी ले ही लेना है, स्टार्ट विथ SCM। SCM का कोई फेस टू फेस के लिए वेट मत करिए, स्टार्ट विथ SCM। SFM के लिए 15 दिसंबर वाला बैच आप ले लेंगे, उसमें लाइव आ सकते हैं लाइव आएंगे, नहीं आते हैं तो रिकॉर्डेड ले लेंगे। और बाकी दोनों ग्रुप 2 का जो सब्जेक्ट है लॉ DT, वो रेस्पेक्टिव टीचर का जैसा है वैसा लेंगे। और इस तरफ अगर हम आते हैं तो आपका CFR है, और इस तरफ हम आते हैं तो आपका कंपनी और कॉस्ट ऑडिट है। कॉस्ट ऑडिट में आ जाते हैं,
TFR एंड IDT रिस्पेक्टिव टीचर का जैसा अवेलेबल है फ्रेश आपको बता देंगे, जैसा भी अवेलेबल है वो आपको दिलवा देंगे। और कॉस्ट ऑडिट और SPMBV की जो क्लासेस हैं, SPMBV और यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, ये सब हम लोग फ्रेश आपको पूरा करा देंगे फ्रेश। और ये सब हम लोग एक्चुअली फ्रेश प्लान कर रहे हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ SFM बैच। फ्रेश कब प्लान कर रहे हैं? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ SFM बैच। तो आफ्टर SFM बैच अगर वो स्टार्ट भी होगा तो भी December 23 के लिए सब कुछ आराम से कवर हो जाएगा। आफ्टर SFM बैच हम कराएंगे आपको, और बीच में हो सकता है हम रिस्क मैनेजमेंट का पहले ले आए, वो अलग बात है, बट जो मेरा सब्जेक्ट है जैसे कॉस्ट ऑडिट SPMBV, वो मैं SFM बैच के बाद कराऊंगा। ठीक है, तो दिस इज माई प्लान एंड दिस इज हाउ यू मे ऑल्सो प्लान फॉर, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी। तो फॉर December 23 एंड ऑनवर्ड्स प्लीज स्टार्ट विथ SCM एंड SFM फर्स्ट, देन टेक लॉ DT। लॉ DT बहुत ज़्यादा थियोरिटिकल होता है इनिशियल डेज में, तो इसलिए उससे भी स्टार्ट नहीं करेंगे, आप पहले SCM SFM से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ग्रुप 4 में जाएंगे तो CFR पहले स्टार्ट करिए, IDT पहले ख़त्म करिए, फिर कॉस्ट ऑडिट और SPMBV पकड़ेंगे। तो ये हम लोग आपको सब कुछ फ्रेश करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और June 23 में यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो SCM का करंट बैच एक्सक्लूसिव वाला ले लीजिए, SFM का लास्ट बैच ले लीजिए, अमेंडमेंट मिल जाएगा। और ग्रुप 4 के लिए कॉस्ट ऑडिट SPMBV लास्ट रिकॉर्डेड बैच लेना पड़ेगा, प्लस अमेंडमेंट मिलेगा। बाकी सब्जेक्ट का जैसे टीचर्स प्रोवाइड करेंगे वो आप SGC में कॉन्टैक्ट करिए, वो हम उनसे अपडेट लेके आपको बता देंगे। ठीक है, दिस इज ऑल आई वॉन्टेड टू कन्वे, आई होप दिस हैज बिन यूजफुल। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन प्लीज डो नॉट हेजिटेट टू कॉमेंट, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड वॉट यू आर थिंकिंग एंड वी कैन अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड बैक। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। पूरा मन लगा के मजे से पढ़ाई करो, बहुत इंटरेस्टिंग है फाइनल की पढ़ाई, ऐसा लगेगा रियल वर्ल्ड क्लासरूम में घुस गया है और आपको नॉलेज पे नॉलेज मिल रहा है, बहुत मजा आता है फाइनल की पढ़ाई करने में। तो वैसे ही पूरा जज्बा लगा के, जोश लगा के पूरा पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सी यू।